प्रदेश सरकार मंडी जिला के तत्तापानी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट विकसित करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि इसे सैलानियों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभारा जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से तत्तापानी में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। वर्चुअल माध्यम से तत्तापानी में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से कम विकसित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ का बोझ कम होगा बल्कि पर्यटकों को नए पर्यटन गंतव्य भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर प्राप्त होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल प्रेमियों के लिए खेल गतिविधियां और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां संशोधन नियम अधिसूचित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोलडैम क्षेत्र में जल परिवहन की संभावनाएं भी तलाशेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि तत्तापानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन से क्षेत्र के लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के ई सर्विस पोर्टल को भी जारी किया। जो हमने तत्तापानी को पर्यटन के नक्शे पर लाने की बात कही थी उसको हम अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे हैं। आज टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से आपके तत्तापानी में बहुत सारी जो गतिविधियां जो आप सामने देख भी रहे होंगे उनको करने के लिए हम आगे बढ़ करके सफल हुए हैं। इसमें स्पीड बोट का जिक्र है, वाटर स्कीइंग का है, जेट स्कीइंग का है, स्की बोर्डिंग का है, वाटर स्कूटर है और उसी तरह से और भी बहुत सारी गतिविधियां उसमें जोड़ने की दिशा में आगे बढ़कर के हमको काम करना है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का आने जाने का रास्ता बन गया क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बनता दिख रहा है। करसोग जाना या तत्तापानी जाने में थोड़ा सा देर हो सकता है। हम चाहते हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको तुरंत जो है हमको वहां पर जो सुविधाएं पर्यटन की दृष्टि से देने की जरूरत है वो तुरंत देनी चाहिए और इसलिए देनी चाहिए ताकि वो आकर के बाकी लोगों के बीच में इसका संदेश दे सके कि शिमला जा रहे हैं तो तत्तापानी जरूर जाओ। 3 करोड़ की लागत से जो जेटी और उसके साथ साथ में जो वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ में जो वहां पर पर्यटन की दृष्टि से जो किया जा सकता तो वो करने की हमने कोशिश की और इससे आगे बढ़कर के एक हमारा एक और प्लान है वो ये है कि वहां पर हम पानी के अंदर ही रेस्टोरेंट बना करके जो फ्लोटिंग होगा पानी के ऊपर होगा लोग जाएंगे और उस रेस्टोरेंट में वहां पर बैठेंगे खाना भी खाएंगे आनंद भी लेंगे और उसके वहां लगने से मुझे लगता है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक दूसरा इस प्रकार का अभी तक हमारा प्रोजेक्ट टूरिज्म के क्षेत्र में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी शुरू नहीं जो पहली एक शुरुआत करने की हम कोशिश करेंगे उसके लिए हम आगे बढ़कर के काम करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उसमें भी हम सफल होंगे। हम अपने जहां जो हमारा डैम की जो रिजर्वायर बनी हुई है उसमें जाकर के वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आने जाने के लिए भी एक रास्ता बने माध्यम बने उसके लिए भी हम जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए भी व्यवस्थित ढंग से आने वाले समय में हम काम करने की कोशिश करेंगे ताकि आने जाने का रास्ता भी वो बने। और अब की बात जब गर्मी का सीजन आएगा जो हमारा अप्रैल के बाद का तो टूरिस्ट आएगा तत्तापानी आएगा तत्तापानी से जाकर के करसोग जाएगा करसोग से सनाली से होकर के शिकारी माता भी जाएगा आपके चिंडी के इलाके में जहां पर्यटन के लिए बहुत बड़ी संभावना है वहां पर उस इलाके में भी घूम करके आएगा इलाके जहां पर धार्मिक महत्व का भी वो स्थान है और उसके साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी वो स्थान बहुत अच्छे सुंदर है। हम कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नई नई डेस्टिनेशन को हम आगे बढ़ाएं और उसमें करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे। जयराम ठाकुर ने हिमाचल भवन नई दिल्ली और चंडीगढ़ व हिमाचल सदन नई दिल्ली की बुकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा का भी शुभारम्भ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।